लूटपाट का पुलिस ने कर दिया खुलासा, पकड़े गए लुटेरे की एक ही मिलेगी सजा, भारी मात्रा में पकड़े गए हथियार। वैशाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महनार के बंधन बैंक में हुई लूट और हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर चप्पा में ज्वेलर्स की दुकान में हुई लूटकांड का खुलासा कर दिया है। दरअसल इस घटना को अंजाम देने वाले दो अपराधी भी पुलिस की पकड़ में आए हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर वैशाली एसपी मनीष ने कहा कि अपराधियों ने लूट की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है और अपराध कबूल कर लिया है। सदर थाना अंतर्गत वासुदेवपुर चपटा गांव पड़ता है, वहां पे सुरभि ज्वेलर्स एंड मसाल नाम की एक दुकान में से घटना हुई थी, लूटपाट की घटना। उसका उद्भेदन हुआ है हम साथ ही 22 तारीख को दोपहर में महनार थाना अंतर्गत बंधन बैंक का एक सीएसपी पड़ता है, उसमें 3 लाख लूट की घटना हुई थी। उन दोनों को उद्भेदन किया गया है। इन दोनों का नाम इसलिए साथ ले रहा हूँ, एक कॉमन गैंग है इन दोनों में, जिसका उद्भेदन करके पकड़ा गया है। गैंग के दो प्रमुख सदस्य को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके नाम है रघुवीर राम एवं सुदीन पासवान। ये इनमें से एक आजमपुर थाना देसी का रहने वाला, दूसरा व्यक्ति सुदीन पासवान खोखसा कल्याण थाना देसी का रहने वाला। दोनों का अच्छा खासा मतलब इतिहास है। इनके पास से 2 कट्टे, 3 कारतूस एवं 63,000 रुपये, जो कि दोनों घटनाओं को मिलाकर के सम्मिलित हैं, एवं 5 चांदी के सिक्के, 12 चांदी के सिक्कों की एवं अन्य आभूषण वो रिकवरी की गई है। गैंग के सारे मेंबर्स हमें पता लग गए हैं, जो कि मानवीय एवं तकनीकी दोनों आधार से पता चला है। फोटो भी डिटेक्ट हो गया है, संलिप्तता भी स्वीकार की गई, पहचान हो गई है। दरअसल लूट की दोनों घटना का खुलासा करने के लिए महनार एसडीपीओ सुरेंद्र पंजियार के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। वहीं पकड़े गए दोनों अपराधियों के खिलाफ वैशाली और समस्तीपुर जिले के कई थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर ये बता दिया है कि अपराधियों की खैर नहीं है। अनिल कुमार, वैशाली।